Good morning, student. Today we will solve chapter 9 fractional numbers, class 5th. So exercise 9.1, question number first is, name the following fraction as improper, proper, unit and mixed fraction. देखिए, हमें इसमें जो गिवन फ्रैक्शंस दिए हैं उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो इम्प्रॉपर हैं, यूनिट फ्रैक्शन है, प्रॉपर है और या फिर मिक्स्ड है. तो चेक करते हैं. पहला है 1/7. 1/7 मतलब इसका जो न्यूमरेटर है क्या है, 1 है. जिसका न्यूमरेटर 1 होता है वो होता है यूनिट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो ये क्या होगा, यूनिट फ्रैक्शन. सेकेंड है 8/3. जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा होता है वो इम्प्रॉपर होते हैं. तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सी 11/5. जो इस तरह होल में होते हैं उसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस बोलते हैं. तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. डी वाला 45/22. तो देखिए, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर ज़्यादा है. न्यूमरेटर जिसका ज़्यादा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. नेक्स्ट है 3/8. 3/8 यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये प्रॉपर हो गया. जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा कंपेयर करने पर वो इम्प्रॉपर होगा, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा वो प्रॉपर होगा. तो यहाँ पर ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा. नेक्स्ट है 32/34. ये इसका भी डिनोमिनेटर हमारा ज़्यादा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. यहाँ पर हमारा जी वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर ज़्यादा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. यहाँ पर इसका न्यूमरेटर 1 है, 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन होगा. ये होल में है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा. यहाँ पे यूनिट 1 है तो यूनिट फ्रैक्शन होगा. ये अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा. 6/11, यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो प्रॉपर होगा. यहाँ पर न्यूमरेटर ज़्यादा है तो इम्प्रॉपर होगा. यहाँ पे भी हमारा कंपेयर करने पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो प्रॉपर होगा. ये हमारा 1/1 में आ रहा है तो 1 है तो यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा यूनिट फ्रैक्शन होगा. और 3/7 ये मिक्स्ड में है, होल में है तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा. इस तरह हमें आइडेंटिफाई करने थे, हमने इसको कर लिया. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. चेंज द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. इम्प्रॉपर में करना है. देखिए क्या दिया हुआ है, 4/3/6. मिक्स्ड में दिया हुआ है ये. तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं. 6 का मल्टीप्लाई 4 में किया, जो भी नंबर आया मल्टीप्लाई करने पर उसमें हम करेंगे प्लस 3/1 में. और जो अपॉन में होता है वो अपॉन में ही रहता है. जैसे कि मैंने यहाँ करा है 6 मल्टीप्लाई 4 और जो आंसर आएगा वो प्लस 3/6. तो 6/4 = 24 प्लस 3/27/6. ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया. 5/1/7. तो देखिए 7 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे पहले, जो आंसर आएगा उसमें 1 प्लस करेंगे, ऊपर 1 है अपॉन में, जो नीचे है वही अपॉन में आएगा डिनोमिनेटर. तो 7/5 = 35 + 1 = 36/37 कन्वर्ट हो गया. 7/3/5 है तो यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, प्लस 3 करेंगे अपॉन 5. 7/5 = 35 + 3 = 38/5. 12/1/3 है, 3 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे, प्लस 1. 12/3 = 36 + 1 = 37/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड. चेंज द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. दिया हुआ है 40/3 दिया है तो हम इसको डिवाइड करेंगे. डिवाइड करके हम इसको सॉल्व करेंगे. तो ये जो न्यूमरेटर है वो अंदर आता है और जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आता है. तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 * 1 = 3 जाएगा. लेस करेंगे 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 * 3 = 9 हो जाएगा और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा. तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जितनी बार वो गया होता है, जितने टेबल सिस्टम्स गया है उसको हम सेंटर में लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखते हैं. तो ये इसकी मिक्स्ड फॉर्म हो गई. इस तरह सबको डिवाइड करना है और उसको हमें मिक्स फॉर्म में लिखना है. फिर से बता रही हूँ, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको नीचे, और जितनी बार टर्म्स वो गया है उसको हम बीच में लिखते हैं. तो ये क्या है, होल में आ गए तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया. इसी तरह इन सब का भी डिवाइड किया है मैंने, 4 से 11 का, 5 का 17 से. और इस तरह फिर यहाँ पे एक्सरसाइज आपकी 9.1 कंप्लीट हो गई है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.